हेलो गाइस, माय सेल्फ अजय। टुडे वी लर्न विद ट्यूटोरियल्स फोटोशॉप टूल्स। लास्ट टाइम हमने फोटोशॉप के ऊपर के सिलेक्शन टूल्स देखे थे। सिलेक्शन टूल्स पे एक बार और हम नज़र डाल लेते हैं। यहाँ से हमने एक इमेज को प्लेस किया, इस इमेज को हमने यहाँ से रेस्टराइज कर लिया। ये हमारा हमने लास्ट टाइम सिलेक्शन टूल देखे थे। इन सिलेक्शन टूल्स में ये हमने सिलेक्शन बनाया, इनमें चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन और होते हैं आपका, ये ऐड होता है। ये सिलेक्शन को आपको ऐड करता जाता है, जैसे जैसे आपको ऐड करना है सिलेक्शन, ये आपका ऐड करेगा। ये आपका सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट ये माइनस सिलेक्शन करेगा, इतना एरिया माइनस, ये एरिया माइनस, ये एरिया माइनस, ये एरिया माइनस। ये आपका इंटरसेक्ट होता है, इंटरसेक्ट बेसिकली जितना पार्ट आपने बीच में करा तो आपका बीच वाला एरिया रह जाएगा, बाकी सब सिलेक्शन हट जाएगा। सो बेसिकली आज हमें स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल देखना है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल्स। तो इसके लिए हमने पहले इसको सिलेक्ट में जाके डीसेलेक्ट किया, इस ये इमेज हमने यहाँ से डिलीट की। फाइल्स में जाके हम एक इमेज लेते हैं, ये इमेज मैं पहले डिटच कर चुका हूँ, इसी के ऊपर आपको एक बार दोबारा डिटच करके दिखाता हूँ। यहाँ से हमने सिलेक्शन बनाया, यहाँ से कंट्रोल जे किया, इस इमेज को हमने डिलीट किया इसको। सो बेसिकली ये आपका जो टूल्स हैं, क्विक स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल्स, ये क्या करता है, ये आपका सिंगल क्लिक काम करता है। ये आपके जो स्पॉट्स होते हैं, डार्क्स होते हैं, इन्हें हटाता है। देखिए, अब सिंगल क्लिक क्लिक करना है विदाउट ऑल्ट, विदाउट करें। यहाँ से आप कंट्रोल, पहले फाइल को जे कर लीजिए, डिफॉल्ट डिफरेंस कर लिए, यहाँ से आपने ये स्पॉट्स हटाए, सिंगल क्लिक करना है सिर्फ। ये सिर्फ मैं आपको टूल्स का काम बता रहा हूँ, ये फिनिशिंग नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कि आपके स्पॉट्स पहले थे और अब नहीं है। ओके, सो इसके आगे आता है इस हीलिंग ब्रश टूल्स। हीलिंग ब्रश टूल्स क्या काम करता है, हीलिंग ब्रश टूल अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो वो आपको मैसेज देगा कि ये ऑल्ट के साथ क्लिक करना है। तो ऑल्ट प्रेस करके आपने यहाँ से सैंपल उठाया, ये वाला आपने यहाँ सैंपल उठाया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लस का साइन आ जाएगा, जहाँ से आपने सैंपल उठाया वहाँ का टेक्सचर, वो कहीं भी जहाँ पे आपको करना हो वहाँ कर सकते हो। अब आपको यहाँ से जैसे आइज का टेक्सचर लेना है तो आइज का आप लेंगे, तो आइज बैकग्राउंड में यहाँ पे मर्ज हो जाएगी। सो यह है पैच टूल। पैच टूल क्या काम करता है, ये फ्री सिलेक्शन होता है। अब आपको इस आईब्रो के यहाँ पे आईब्रो नहीं चाहिए, तो ये आपने आईब्रो का सिलेक्शन बनाया, इस आईब्रो को यहाँ ले गए, यहाँ का टेक्सचर वहाँ मर्ज हो जाएगा। तो ये सिलेक्शन का काम है, पैच सिलेक्शन। हम कंट्रोल ऑल्ट जेड करते हैं। अब ये आपकी आइस का हम टेक्सचर यहाँ ले लेते हैं, या हम यहाँ पे एक टेक्सचर लेते हैं, इसका हम यहाँ आइस के पास लाएंगे तो आइस वहाँ पे बैकग्राउंड में मर्ज हो जाएगी इस तरह। तो ये पैच टूल ये मर्ज करने के काम आता है। कुछ डा ये स्पोर्ट्स आपको दिखाई दे जो रहे हैं, स्पोर्ट्स को हम यहाँ पे मर्ज करेंगे तो वो स्पोर्ट्स हट जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो के थ्रू, यहाँ पे आपके स्पोर्ट्स हैं, इनको हमें मर्ज करना है। तो यहाँ पे आप इनको देखो मर्ज हो जाते हैं। तो इस पैच टूल का काम ये है। इसके बाद है कंटेंट अवेयर टूल। इसका आपने यहाँ पे सिलेक्शन, फ्री सिलेक्शन बनाया, ये सिलेक्शन आपको मूव करके कहीं भी ले जाना है, वो एकदम से मर्ज, उसके एजेस मर्ज करता है और एकदम से हार्ड हार्ड सा सरफेस आपको दे देगा।
तो यहाँ पर आपकी पूरी इमेज बन जाती है। तो बेसिकली ये बहुत कम यूज़ किया जाता है। इसके नीचे आपका आता है रेड आई टूल। रेड आई टूल का यूज़ होता है हमारे आइज़ वगैरह में, जब फोटोग्राफी वगैरह करते हैं तो आइज़ में रेड रेड टोन आती है, तो हम बस उसके ऊपर नॉर्मल से सिलेक्शन बनाते हैं और आप देखेंगे कि आपका जो रेड टोन होगी वो यहाँ से डिक्रीज़ होती हुई जाएगी। पर ये कुछ हद तक किया जाता है, ज़्यादा करने से पिक्चर क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो आपको ये सारे टूल्स पता चल गए होंगे आई होप। नाउ दिस इज़ अ ब्रश टूल। ब्रश टूल बेसिकली हम डीपी वगैरह यूज़ करने के लिए भी करते हैं और रिटचिंग वगैरह के लिए भी करते हैं। इसके लिए हम न्यू लेयर लेते हैं, यहाँ से हम कलर लेते हैं, कलर हम ये ब्रश टूल है, ब्रश की हम यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हैं, पिन लाइट कर सकते हैं, ये सब ब्रश वगैरह के ब्लेंडिंग मोड्स हैं। इसी तरह यहाँ पेंसिल है, ये कोई हमें इलस्ट्रेशन आर्ट बनानी हो हम यहाँ इलस्ट्रेशन से आर्ट बना सकते हैं, फ्री हैंड वर्क कर हम यहाँ से कर सकते हैं इस पेंसिल का यूज़ करके। पेंसिल की ओपेसिटी वगैरह आपको कम करनी है। इसी तरह यहाँ से आपका कलर रिप्लेसमेंट है। ये आपका कलर रिप्लेसमेंट क्या करता है, यहाँ से आपका एक कलर रिप्लेसमेंट टूल्स, आप इस या कहीं का भी कलर सैंपल यहाँ से उठाते हैं, आपका जो एक कलर है यहाँ से आपका कलर सैंपल आपने वहाँ से उठाया तो एक कलर रिप्लेस करता है। यहाँ से आप डार्क उठाओगे तो और डार्क करेगा, तो इसका ये काम है। इसी तरह हम यहाँ से लेयर डिलीट करते हैं। नेक्स्ट है आपका मिक्सचर ब्रश टूल। मिक्सचर ब्रश टूल क्या काम करता है, हमारा ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर देता है इस तरह, लाइक मिक्सचर ब्लर वगैरह करके सब मर्ज कर देता है। तो आपको इनकी भी नॉलेज हो गई। अब आगे है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल जो आपका ये है सेम इसी की तरह काम करता है, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि हीलिंग ब्रश टूल के अंदर हम ऑल्ट हीलिंग ब्रश में हम यहाँ पे इसका टेक्सचर मर्ज होता है, ये देखिए अब यहाँ मर्ज हो रहा है, बट जो क्लोन स्टैम्प टूल है यहाँ से हम टेक्सचर लेते हैं ये मर्ज नहीं होता, ये हार्ड हार्ड सरफेस रहता है। तो ये डिफरेंस है हीलिंग ब्रश टूल ये क्लोन स्टैम्प टूल। इसी तरह यहाँ पे पैटर्न स्टैम्प टूल है, यहाँ से आप पैटर्न ले सकते हैं कोई सा भी, साइज बड़ा करके पैटर्न वगैरह पैटर्न आपको फिल करना हो तो यहाँ से पैटर्न वगैरह आप फिल कर सकते हैं। ये हिस्ट्री ब्रश टूल है, ये आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल है, इनका यूज अभी आगे जैसे आएगा बताऊंगा। ये आपका टूल है इरेजर टूल। आपने कुछ आप इन्हीं इमेजेस को इरेज भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड इरेज आपको यहाँ से यहाँ आपका जो बैकग्राउंड है जो बैकग्राउंड इमेज को इरेज करना है, ये आपके कलर्स वगैरह उनके बैकग्राउंड के साथ आरजीबी मर्ज करते हुए जाते हैं। ये देखेंगे आप इनकी जो कलर टोन्स के हिसाब से वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज करेंगे। जो मैजिक इरेजर टूल होता है इनका काम होता है सेम जो कलर होता है हमारे इमेज का उस सेम कलर को डिलीट करता है और सिंगल क्लिक किया जहाँ पे सेम ये सारा सेम कलर है ये इसने डिलीट करा, यहाँ सिंगल क्लिक किया ये सिलेक्ट सारा एरिया डिलीट किया, यहाँ सिंगल क्लिक किया उसने सेम कलर को लिया डिलीट करा। तो ये काम है इसका। इसी तरह से ग्रेडियन है, हम ग्रेडियन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हमने सिलेक्शन बना के हमने यहाँ ग्रेडियन लिया, ग्रेडियन
यहाँ से ग्रेडियंट, ग्रेडियंट यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लाइब्रेरी आ जाएगी ग्रेडियंट्स की, यहाँ ग्रेडियंट्स की लाइब्रेरी आ जाएगी। यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं कोई सा भी। ऊपर क्लिक करने पे आपके कलर की ओपेसिटी आएगी, आप यहाँ देखेंगे कि आपकी ओपेसिटी कम ज़्यादा हो रही है। इसी तरह यहाँ से आप, और यहाँ पे आप कहीं भी सिंगल क्लिक करेंगे आपको यहाँ कलर की एक बोतल आ जाएगी। इस बोतल पे आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं कोई भी, इनको ड्रैग करके यहाँ से आप देन ओके करोगे। ग्रेडियंट आपको यहाँ पे ड्रैग करोगे, ड्रैग करने से आपके ग्रेडियंट आ गए। ग्रेडियंट हमारे यहाँ पे 5 तरह के होते हैं, इसे लीनियर ग्रेडियंट कहते हैं। लीनियर में कुछ इस तरह दिखाई देगा, इसे रेडियल ग्रेडियंट कहते हैं। रेडियल में सर्कल सर्कल सा आएगा, और इसे हम एंगल ग्रेडियंट कहते हैं, एंगल में एंगुलर सा आएगा। और इसे हम रिफ्लेक्टिव ग्रेडियंट कहते हैं, कुछ इस तरह आता है। और ये आपका लास्ट एंड फाइनल डायमंड ग्रेडियंट, डायमंड डायमंड शेप में आएगा। तो आपके ग्रेडियंट हो गए, इसको हम उठा के कंट्रोल जेड करते हैं। देन इसके आगे आता है पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल नॉर्मल पे हमें ब्लैंक लेयर है, हमने यहाँ से येलो कलर लिया, येलो कलर लिया, यहाँ पे एक ब्लैंक हमारी लेयर है। पेंट बकेट टूल है, यहाँ पे हमारी फिल किया पूरी लेयर में, यहाँ पे कलर येलो कलर फिल हो गया। इसी तरह अगर हमें कोई सिलेक्शन बनाना है, सिलेक्शन बनाए यहाँ से पेंट बकेट लिया, ऊपर ग्रीन लिया, यहाँ पे ग्रीन कलर फिल हो गया। सो बेसिकली इसका इतना ही काम है। इसके बाद आ जाता है इसका 3D बकेट टूल। हम यहाँ से 3D मेन्यू जब यूज़ करेंगे तब इसका यूज़ आएगा। आगे आता है हमारा ब्लर। ब्लर किस तरह काम करता है, ब्लर वगैरह यहाँ से आप देखेंगे आपकी इमेज के जो स्पॉट्स हैं या आईज हैं, या आपको कोई भी सीन बनाना हो, बहुत जगह इसकी डिमांड आती है कि आपको कुछ चीज़ें ब्लर करनी होती है, तो ये टूल्स ब्लर्स के लिए काम आते हैं। देखेंगे आप, फाइन, ओके। ब्लर के आगे एक और टूल है जिसे हम शार्पन टूल कहते हैं। ये आपकी इमेज है, इसको और हार्ड सरफेस लाइक एज कर देगा इसके। आप ये देखिए, यहाँ पे आप इसकी स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ा सकते हैं। आप ये देखेंगे पहले इमेज और अब की इमेज में इसने हार्ड कर दिया है आपके फेसेस वगैरह को, तो ये इसका शार्पन है, शार्प टूल का ये काम होता है। अब लास्ट है स्मज टूल। स्मज टूल हमारे बहुत सारे जो लेयर कलर्स वगैरह होते हैं उन्हें मर्ज करता है। जैसे हमने इसी लेयर पे हमने कोई कलर पिक किया, हमने इसी के कलर टोन का कलर लिया, इसकी ओपेसिटी हमने कम की, न्यू लेयर ली, हमने यहाँ कलर किया, कलर लिया, फिर हमने यहाँ से स्मज टूल लिया। और स्मज टूल की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम रखते हैं, और यहाँ से इसको इसके साथ मर्ज करते हैं जिससे कि दोनों जो कलर होते हैं आपस में मर्ज हो जाएं, अलग अलग से दिखाई ना दें। तो बेसिकली इसका काम इतना होता है। इसी तरह इस टूल में डोज टूल होता है। डोज टूल आपका बेसिकली आपका जो पूरा सीन है इसको लाइट करता है। जैसे कि आप पूरे अपने सीन पे करोगे, लाइट करता जाएगा, शार्प शार्प सा बिल्कुल फिनिशिंग, ये आप डिफरेंस देख सकते हैं डोज टूल का। डोज टूल का आपने देखा, इसी तरह एक स्पॉन्ज टूल है। स्पॉन्ज टूल आपका, सॉरी, स्पॉन्ज टूल से बड़ा बर्न टूल है। बर्न टूल वर्ड से ही पता चलता है कि आपका ये चेहरा ये जलाएगा, जलाने के लिए होता है इसीलिए। ये देखिए आप, ओके। देन अगला टूल है स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल आपका बेसिकली ग्रे कलर में कर देता है आपका बिल्कुल ब्लैक एंड टाइप, ब्लैक एंड वाइट इमेज होती है ना, वह इसी तरह से आपके इमेज को कर देता है।
So thanks you guys, I hope you like my this tutorial. So जो नीचे के जो tools हैं वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा. Thanks, bye bye.